गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं आ चुका हूँ हरिद्वार और अभी मैं हूँ हर की पौड़ी में। तो जस्ट अभी नहा के निकला हूँ और थोड़ी देर बाद यहाँ पे लगभग आधे घंटे बाद आरती होने वाली है, तो आधे घंटे बाद हम लोग आरती देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश। तो हर की पौड़ी के दर्शन कीजिए आप लोग और थोड़ी देर बाद हम लोग चलेंगे ऋषिकेश। ये है हर की पौड़ी हरिद्वार, अस्थि प्रभा घाट, ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी। पानी में नहाया हूँ भाई, पानी बहुत ठंडा आ रहा है। पानी का बहाव देखिए कितनी तेज है। तो इस साइड में कोई भी नहीं आता क्योंकि इधर पानी का बहाव तेज है और दूसरी साइड जो है उस तरफ हम लोग नहा रहे हैं। तो चलो हम लोग चल रहे हैं उस तरफ जिधर नहाने, जिधर बाकी के सभी लोग नहा रहे हैं। तो गाइस आरती शुरू हो गई है, तो चलो अब आरती देखते हैं।
ये है अपना हरिद्वार। आओ पानी का बहाव देखते हैं, पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है। तो भाई साहब ये देख लो, आवाज़ सुनो, और हमारे साथ वाले भाई आगे आगे भाग रहे हैं। ये देखो ये रास्ता पार्किंग की तरफ जा रहा है। तो अब चलते हैं ज़रा ऋषिकेश की तरफ और बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश कैसे जाएं। अगर बात करें बायो मार्ग से जाने की, ऋषिकेश से 18 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून के निकट रजौली ग्रांट एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट है। एयर इंडिया, जेट एवं स्पाइस जेट की फ़्लाइटें इस एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ती हैं। रेल मार्ग की अगर बात करें, ऋषिकेश का नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो शहर से 5 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश देश के प्रमुख स्टेशनों से जुड़ा हुआ है और ऋषिकेश का आखिरी स्टेशन है, इसके बाद आगे रेलवे लाइन नहीं जाती। अब बात करें अगर सड़क मार्ग की, दिल्ली के कश्मीरी गेट से ऋषिकेश के लिए डीलक्स और निजी बसों की व्यवस्था है। राज्य परिवहन निगम की बसें नियमित रूप से दिल्ली और उत्तराखंड के अनेक शहरों से ऋषिकेश के लिए चलती हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऋषिकेश पहुंच सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। दिल्ली से वैसे 245 किलोमीटर के आसपास है, तो आप बाइक से भी जा सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं आगे। तो हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश में, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश में घूमने लायक क्या क्या है। और मेरा गला ख़राब हो चुका है। तो बात करते हैं सबसे पहले लक्ष्मण झूले की। गंगा नदी के एक किनार को दूसरे किनार से जोड़ता यह झूला नगर की विशिष्ट की पहचान है। इसे 1996 में बनवाया गया था। त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश में स्नान करने का यह प्रमुख घाट है जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की तीन प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम होता है। नीलकंठ महादेव मंदिर, लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। अब यहाँ पे चेकिंग होगी तो ज़रा थोड़ी सी चेकिंग करवा लेते हैं, चेक पोस्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ गाड़ी रोकनी पड़ेगी, ई पास दिखाना पड़ेगा। तो भाई चेकिंग करवा ली है, यहाँ पे कोविड की रिपोर्ट और ई पास चेक करते हैं, उसके बाद आगे जाने देते हैं। तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं, ज़रा आगे की बात स्टार्ट करते हैं। कैलाश निकेतन मंदिर, लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। 12 खंडों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। वशिष्ठ गुफा, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। इस स्थान पर बहुत से साधुओं विश्राम और ध्यान लगाए देखे जा सकते हैं। गीता भवन, राम झूला पार करते ही गीता भवन है जिसे विक्रम संवत 2007 में श्री जयदयाल गोयंदकाजी ने बनवाया था। मोहन चट्टी, ऋषिकेश से नीलकंठ मार्ग के बीच यह स्थान आता है जिसका नाम है फूल चट्टी, मोहन चट्टी। यह स्थान बहुत ही शांत वातावरण का है। यहाँ चारों ओर सुंदर वादियाँ हैं। नीलकंठ मार्ग पर मोहन चट्टी आकर्षण का केंद्र बनता है। अब बात करें अगर ऋषिकेश में ख़रीदारी की, तो ऋषिकेश में हस्तशिल्प का सामान अनेक छोटी दुकानों से ख़रीदा जा सकता है। यहाँ अनेक दुकानें हैं जहाँ से साड़ियों, बेड कवर, हैंडलूम फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक आदि की खरीदारी की जा सकती है। ऋषिकेश में सरकारी मान्यता प्राप्त हैंडलूम शॉप, खरीदी भंडार, गढ़वाल वूल और क्राफ्ट की बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से उच्च कोटि का सामान खरीदा जा सकता है। इन दुकानों से कम कीमत पर सामान खरीदे जा सकते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूला और देखते हैं ज़रा लक्ष्मण झूला।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग अभी आ चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में अभी हम लोग घूम रहे हैं बैराज पुल पे। एक्चुअली पुल पे अभी फ़ोटो खींचने के लिए मना किया हुआ है, तो हम लोग इधर अंदर आए हुए हैं। तो चलो आओ देखते हैं इस पुल के नज़ारे। तो गाइस ये है सेल्फी पॉइंट, और सामने वाला जो ब्रिज है वो है मैरिन ड्राइव, और ये है गंगा जी। सामने की तरफ आप लोग देख रहे हो, ये सारा का सारा जंगल है। और वो बिल्कुल सामने जो देख रहे हो, ये सामने वहाँ पे कुछ घर हैं। और ये जो रास्ता है ये वॉकिंग के लिए है। इधर की साइड में घर हैं, सामने एम्स हॉस्पिटल है, जो दिल्ली में एम्स है वही। ये ग्रीन वैली की तरह बना रखा है, यहाँ पे सब लोग घूमते हैं घूमने के लिए। तो आओ थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो गाइस ऋषिकेश का एम्स हॉस्पिटल है, ये काफ़ी बड़ा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं वापस हरिद्वार, और अब जा रहे हैं हरिद्वार दोबारा से नहाने के लिए। ये जो रास्ता है ये पार्किंग से सीधा हर की पौड़ी जा रहा है। यहाँ पे कुछ दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। ये बोतल्स वगैरह हैं, इनमें आप पानी भर सकते हो। ये प्रसाद है चढ़ाने के लिए, गंगा जी का पानी जो भर के लेके जाते हैं घर, इनके लिए आप बोतल यहाँ से ले सकते हो। ये जो मैन पुल है, ये जहाँ से पानी तेज बहता है। ये रास्ता सीधा हर की पौड़ी जा रहा है। इधर साइड में भी कुछ लोग नहा रहे हैं वो देखो, पर यहाँ बहुत कम लोग नहाते हैं। ये टोपी लगा रखी है इन्होंने, ये कुछ हाथ से बनाए हुए खिलौने, ये भैया टैटू बना रहे हैं, ये आंटी माला बेच रही है, धागे वगैरह। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। ये गंगा मैया यार बोल नहीं रहे यार, बोले इतना बात नहीं लगेगी, बाद में बोलूंगा मैं अलग से वॉइस ऐड करूंगा, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा बोलना, कुछ और चाह रहा हूँ निकल कुछ और रहा है मुँह से। अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, एडिटिंग करूंगा। ये बोतल्स रखी हुई है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फूल है, कपड़े बदलने के लिए भी अच्छी खासी सुविधा रखी हुई है। यहाँ पे ट्रायल रूम्स बने हुए हैं,
जहाँ पे लेडीज़ वगैरह अपने चेंजेस कर सकती हैं आराम से, तो बात कर लेना नहाने के बाद लग जाएंगे। हमें तो नौकरी करनी है कहीं भी, आराम से कर लेना। मेरा नहीं, उसने मेरा भी ऐसे ही नौकरी आई कार्ड बना के रखा है, गेले कहीं कोई दिक्कत हो जाएगा दिखा देगा। हाँ हाँ बढ़िया। मैंने सुपर स्टडी मोड पे लगा रखा है, मतलब मैं ऐसे करूँगा ना कुछ, वो जो फोटो हिलती है ना भाई ऐसे करके हिलेगी नहीं अभी तो। ये है हर की पौड़ी, हर की पौड़ी जो घाट है जहाँ पे नहाने आते हैं लोग हरिद्वार। इसमें दोनों तरफ नहाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो राइट साइड में इधर बहुत ही कम लोग जाते हैं। ये भाई पपीता बेच रहे हैं ताज़ा ताज़ा। और जो लेफ्ट साइड में है इधर ही ज़्यादा लोग नहाते हैं। ये अंकल जी थोड़ा भविष्य बता रहे हैं, लग रहा है इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। भाई ने फ़ोटो निकलवाई है और इनकी थोड़ी सी बहस चल रही है, लगता है फ़ोटो ज़्यादा निकाल दी है उनकी, वो यही कह रहे हैं। खैर यार होता है। ये बोतल वगैरह पड़ी है यहाँ पे, ये प्रसाद रखा हुआ है, गुलाब के फूल। अच्छा यहाँ पे जब आप लोग नहाओगे तो क्या होगा, कपड़े वगैरह रखने के लिए आप लोगों को ये पिन्नी लेनी पड़ेगी, तो अगर आपके पास है तो आप ला सकते हो, नहीं तो ये 20 रुपये में पिन्नी मिल जाएगी आपको। ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, यही नहाने के लिए जो जगह है वो यही है, इसे हर की पौड़ी बोलते हैं। अच्छा इसके सामने जो वाली जो जगह है ना वहाँ पे ज़्यादातर लोग नहाते हैं। जैसे यहाँ से सीधे आप जाओगे तो ऊपर चढ़ के लेफ़्ट साइड में आप घूम के उधर जा सकते हो। उधर क्या है कि ज़्यादातर जो लेडीज़ वगैरह नहाती हैं वो उधर ही नहाती हैं, जेंट्स वगैरह जो हैं वो इधर ज़्यादा नहाते हैं, इधर लेडीज़ कम नहाती हैं। और उधर अगर आप जाओगे तो आपको शूज़ वगैरह भी सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उधर शूज़ ले जाना अलाउड नहीं है। अभी जिधर मैं घूम रहा हूँ इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आप शूज़ पहन के घूम सकते हो, अपने शूज़ उतार के अपनी पिन्नी के ऊपर कपड़े वगैरह सब उतार के रख सकते हो और नहा सकते हो। बट अगर आप उधर जा रहे हो तो आपको शूज़ वगैरह सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उधर मंदिर है। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लग रहा है गुमशुदा तलाश लिखा हुआ है और शायद ये जिसने बनवाया है उसके बारे में लिखा हुआ है। देखते हैं ज़रा क्या लिखा है। ये गंगा सवार मुखर्जी जी द्वार, श्री प्रणव मुखर्जी द्वार। तो चलो अब ज़रा नहाते धोते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न घर चलना है।